हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 1978 में रिलीज हुई मूवी द लॉन्ग वीकेंड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम मर्सिया और पीटर है। मर्सिया और पीटर छुट्टियों में वैकेशन पर जाने का प्लान करते हैं। अपने पति को छोड़कर मर्सिया एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम मार्क है। मार्क असल में मर्सिया के पति पीटर का दोस्त है। छुट्टियों में मर्सिया मार्क के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन अब मजबूरी में उसे अपने पति पीटर के साथ जाना पड़ रहा है। मर्सिया और पीटर के रिश्ते में कुछ दिनों से बहुत दूरियां आ गई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मर्सिया ने अबॉर्शन करवाया था और इस अबॉर्शन के लिए मर्सिया पीटर को जिम्मेदार मानती है। उसे लगता है कि पीटर को बच्चे पसंद नहीं है, लेकिन पीटर उससे कहता है कि मुझे तो बच्चे पसंद है। और इसी दूरी को कम करने के लिए पीटर ने इस वेकेशन पर जाने का प्लान बनाया है। पीटर के पास एक पेट डॉग भी है जिसका नाम उसने क्रिकेट रखा है, लेकिन मर्सिया को क्रिकेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर, अब सब कुछ छोड़कर मर्सिया और पीटर इस वेकेशन के लिए निकल जाते हैं। इस वेकेशन के लिए पीटर अपने डॉग क्रिकेट को भी साथ ले जाता है, लेकिन रास्ते में पीटर और मर्सिया एक दूसरे के साथ सिर्फ झगड़ा करते हैं। इस टेंशन को खत्म करने के लिए पीटर गाड़ी में एक सिगरेट जलाता है। कुछ देर तक वो सिगरेट फूंकने के बाद वो उस सिगरेट को बाहर फेंक देता है। वो सिगरेट सूखी घास पर पड़ जाती है, जिस वजह से घास में आग लग जाती है। कुछ देर के बाद मर्सिया सो जाती है और उस वजह से पीटर को भी नींद आने लगती है। नींद की वजह से वो रास्ते में एक कंगारू को ठोक देता है, लेकिन वो इस बात को नोटिस ही नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। पीटर के बाद जितनी भी गाड़ियां उस रास्ते से गुजरती है वो उस कंगारू के ऊपर से आगे बढ़ जाती हैं। कुछ देर के बाद पीटर एक गैस स्टेशन पर रुक जाता है और वहाँ पर लोगों से उस बीच के बारे में पूछता है जिस पर वो मर्सिया के साथ जाने वाला था। लेकिन हैरानी की बात यही थी कि यहाँ के लोगों को उस बीच के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस गैस स्टेशन में एक ट्रक ड्राइवर भी होता है जो हूबहू पीटर की तरह दिख रहा था। उसकी नजर मर्सिया पर पड़ती है। वो मर्सिया को घूरने लगता है। मर्सिया भी उस ट्रक ड्राइवर को देख लेती है, लेकिन वो पीटर के साथ अपने सफर पर आगे बढ़ जाती है। कुछ देर के बाद रास्ते में उन्हें एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा था कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये जगह सेफ नहीं है। लेकिन मर्सिया और पीटर इस साइन बोर्ड को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। इस रास्ते पर कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद इनकी गाड़ी का एक जगह पर टायर पंचर हो जाता है। पीटर टायर को चेंज करने लगता है, लेकिन तभी उसे जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है, जिससे पीटर, मर्सिया और उनका पेट डॉग क्रिकेट बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब कुछ देर के बाद पीटर गाड़ी का टायर ठीक कर देता है और फिर से ड्राइव करने लगता है। एक जगह पेड़ पर उन्हें एक एरो का निशान मिलता है। पीटर को लगता है कि ये उस बीच का रास्ता है, इसलिए वो उस रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद पीटर बीच पर नहीं पहुंचता। वो काफी ज्यादा थक जाता है, इसलिए ये लोग गाड़ी रोककर रात में गाड़ी में ही आराम करते हैं। लेकिन सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो ये लोग बीच पर पहुंच चुके होते हैं। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद पीटर बिना किसी वजह के एक पेड़ को काटने लगता है। उसे शिकार करने का बहुत शौक होता है, इसीलिए वो शिकार करने लगता है। वहीं मर्सिया इस बीच पर घूमने लगती है, तभी उसे वो पेड़ दिखाई देता है जिस पर एरो का निशान होता है। रात में उन्हें इस पेड़ से बीच तक पहुंचने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन अभी ये पेड़ बिल्कुल बीच के पास होता है। मर्सिया ये देखकर चौंक जाती है। इस बारे में वो पीटर से बात करती है, लेकिन पीटर उसकी बात को इग्नोर करते हुए बीच पर स्विमिंग करने लगता है। मर्सिया को इस बीच पर किसी जानवर का अंडा मिलता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अंडा किसका हो सकता है। कुछ देर के बाद उसकी नजर समुंदर की तरफ पड़ती है। वो देखती है कि कोई चीज बहुत तेजी से पीटर की तरफ बढ़ रही है, इसीलिए वो पीटर को समुंदर से बाहर बुलाती है। लेकिन कुछ ही देर में वो चीज वहाँ से गायब हो जाती है। पीटर उससे कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, वहाँ पर कोई नहीं था। कुछ देर के बाद दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में मर्सिया पीटर से कहती है कि कल रात जब हम जंगल में रुके थे तब मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज आई थी। लेकिन पीटर उससे कहता है कि वो भी तुम्हारा वहम है, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। पीटर इस बीच पर आने के बाद बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। वो हर वक्त शिकार करने की कोशिश में लगा रहता था। वहीं मर्सिया अभी भी बहुत परेशान होती है। पीटर उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन मर्सिया उसे रोक लेती है क्योंकि वो पीटर में अभी इंटरेस्टेड नहीं थी, जिस वजह से पीटर और मर्सिया के बीच एक लड़ाई हो जाती है। कुछ देर के बाद मर्सिया को फिर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है।
इसीलिए वो टेंट से बाहर आ जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वो टेंट से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद उसे समंदर में शार्क दिखाई देती है। अब की बार उस शार्क को पीटर भी देख लेता है। वो फौरन बाहर आ जाता है और अपनी बंदूक से उस पर गोलियां चलाकर उसे मार देता है। कुछ देर के बाद पीटर पर एक चील हमला कर देती है। वो उसे नोचने लगती है। मर्सिया को लगता है कि उसके पास जो अंडा है वो शायद उसी चील का है। वो उस अंडे को दूर फेंक देती है लेकिन वो अंडा टूट जाता है। ये सब कुछ होने के बाद मर्सिया को यकीन हो जाता है कि इस बीच पर कुछ न कुछ गलत हो रहा है। वो पीटर से घर जाने की बात करती है लेकिन पीटर इसके लिए तैयार नहीं होता। मर्सिया खुद ही गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उससे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, जिस वजह से वो यहाँ से नहीं जा पाती और उसे पीटर के साथ ही रुकना पड़ता है। रात में एक जानवर उनका खाना खाने लगता है। तभी पीटर उसके साथ खेलने की कोशिश करता है लेकिन वो जानवर पीटर पर अटैक कर देता है। वो उसका हाथ काट लेता है। अब किसी तरह पीटर उस जानवर को खुद से दूर करने में कामयाब हो जाता है लेकिन अब उसे भी समझ आ जाता है कि यहाँ उनकी जान को खतरा है। पीटर डिसाइड करता है कि सुबह होते ही वो लोग इस बीच से वापस चले जाएंगे, लेकिन सुबह तक उसका मूड फिर से बदल जाता है और वो घर जाने से मना कर देता है। तभी मर्सिया की नज़र उस जानवर की तरफ पड़ती है जिसे पीटर ने मार दिया था। ये एक सी काऊ होती है जिसे वो लोग वहाँ की रेत में दफना देते हैं। अब ये दोनों इस बीच के दूसरी तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर पीटर को एक गाड़ी दिखी थी। ये लोग जब उस जगह पहुँचते हैं तो वहाँ कोई गाड़ी नहीं होती। चलते चलते इनकी गाड़ी के नीचे एक स्कॉर्पियन आ जाता है और फिर से इन दोनों के बीच एक झगड़ा होने लगता है। अब ये दोनों फिर से अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक जगह पर एक टेंट दिखता है जिसमें एक डॉगी होता है। पीटर उस डॉगी के साथ खेलने की कोशिश करता है लेकिन वो डॉगी पीटर पर अटैक करने वाला था। यहाँ सीन मर्सिया की तरफ मुड़ता है जिसे फिर से एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। इस सबसे तंग आकर मर्सिया समंदर में अपनी जान देने की कोशिश करती है लेकिन पीटर उसे रोककर उसे बचा लेता है। पानी के नीचे पीटर को एक वैन मिलती है जिसमें एक बच्ची मरी पड़ी हुई थी। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग इस बारे में पुलिस को बताएंगे, इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनकी नज़र उस सीकाओ पर पड़ती है जो अपनी जगह से थोड़ी दूर आ गई थी। लेकिन वो मरी हुई थी ना, वो अपनी जगह से कैसे हिल सकती थी। यही सोच सोच कर पीटर और मर्सिया थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तभी पीटर देखता है कि उसका डॉगी क्रिकेट गाड़ी से गायब है और उसके बिना वो घर नहीं जाने वाला था। लेकिन मर्सिया घर जाने की जिद करती है लेकिन पीटर उसकी एक नहीं मानता। थोड़ी देर बाद वो अपने डॉग को उसी सी काऊ के पास देखता है जिससे उसे पता चलता है कि वो जिंदा है। लेकिन अब मर्सिया तंग आकर गाड़ी को स्टार्ट करती है और पीटर को यहीं पर छोड़कर घर के लिए निकल जाती है। पीटर उसके पीछे पीछे भागता है लेकिन वो गाड़ी तक नहीं पहुंच पाता जिससे पीटर काफी उदास हो जाता है। वहीं सीन मर्सिया की तरफ मुड़ता है। ड्राइविंग करते समय उसकी गाड़ी के साथ एक बर्ड टकरा जाता है जिस वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो इस बात की परवाह किए बिना गाड़ी वहीं छोड़कर भाग जाती है। सीन फिर से पीटर की तरफ मुड़ता है और हम देखते हैं कि वो सीकाऊ उसके और करीब आ चुकी है। पीटर उस पर फिर से गोलियों की बरसात करता है लेकिन तभी उसे भी उस बच्चे की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तभी एक बर्ड आकर पीटर के पास मर्सिया की सैंडल फेंक देता है जिससे पीटर को लगने लगता है कि मर्सिया शायद मर चुकी है। इससे पीटर काफी उदास हो जाता है और वो रोने लगता है। उसे अभी भी उस बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो शिकार करने के लिए लाया हुआ भाला निकालता है और उस आवाज़ की तरफ फेंक देता है और अचानक से आवाज़ आना बंद हो जाती है। इससे पीटर को थोड़ी राहत मिलती है लेकिन सुबह हम देखते हैं कि पीटर ने भाला किसी बच्चे पर नहीं बल्कि मर्सिया पर फेंका था। इससे पीटर और भी ज्यादा उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो सीकाऊ अब पीटर के और भी करीब आ गई थी। पीटर उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा देता है। इससे पीटर को थोड़ी राहत मिलती है। अब वो अपनी कार में बैठकर यहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन वो रास्ता भटक जाता है। वो घूम फिरकर वापस उसी जगह पर आ जाता है जिस वजह से एक जगह पर कीचड़ में उसकी गाड़ी फंस जाती है। वो अपने डॉग क्रिकेट को गाड़ी में ही छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। फाइनली पीटर सड़क पर पहुँच जाता है जहाँ उसे एक ट्रक दिखता है। ये ट्रक वही ड्राइवर चला रहा था जो पीटर को उस गैस स्टेशन में मिला था। ट्रक के ड्राइवर पर भी वो बर्ड अटैक कर देता है जिस वजह से वो पीटर को नहीं देख पाता और गाड़ी उसके ऊपर से चला देता है जिससे पीटर की जान चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है।